हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इलाइट स्टडी यूट्यूब चैनल में। इस महीने की करंट अफेयर्स की तीसरी वीडियो, जो कि अक्टूबर थर्ड वीक, जो 15 अक्टूबर से 21 अक्टूबर के बीच में है, उसके जितने भी करंट अफेयर्स नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल के हैं, उनको हम यहाँ तक आपके समक्ष लेकर आए हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट इज रिनेमिंग ऑफ इलाहाबाद। देखिए, यूपी गवर्नमेंट ने यह निर्णय लिया है कि यह इलाहाबाद, जो एक फेमस टाउन है रिलीजन के हिसाब से, हिंदू धर्म के, जहाँ पर दो नदियों का समागम कहा जाता है, उसका नाम बदलकर इलाहाबाद से प्रयागराज रख देगी। अगले साल वर्ष 2019 में इसी स्थान पर कुंभ मेले का होना प्रस्तावित है। नेक्स्ट इज इंडिया वेस्ट इंडीज़ टेस्ट सीरीज़। देखिए, पेटीएम टेस्ट सीरीज़, जो कि भारत और वेस्ट इंडीज़ के बीच में खेली गई, उसे भारत ने 2-0 से जीत के अपने नाम किया। और इसके अलावा इस सीरीज़ में खास यह रहा कि जो पृथ्वी शॉ थे, जो अंडर 19 विश्व कप जीतने वाली भारत की क्रिकेट टीम थी, उसके कैप्टन भी रहे हैं, उन्हें मैन ऑफ द सीरीज़ का खिताब दिया गया। और जो उमेश यादव हैं, वो तीसरे ऐसे गेंदबाज बने जिन्होंने कि भारत की भूमि पर एक टेस्ट मैच में 10 विकेट लिए हों। नेक्स्ट इज वैष्णो देवी पिलग्रिम इंश्योरेंस कवर। देखिए, श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा जो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर है श्रद्धालुओं के लिए, उसे बढ़ाकर 5 लाख से, सॉरी, 3 लाख से 5 लाख कर दिया है। नेक्स्ट इज वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट नॉन स्टॉप फ्लाइट। देखिए, न्यूयॉर्क से सिंगापुर के बीच में वर्ल्ड की जो सबसे लंबी नॉन स्टॉप फ्लाइट थी, वो सिंगापुर एयरलाइंस द्वारा ऑपरेट की गई। थैंक यू हिमाचल। तृतीयन गवर्नमेंट, जो कि एक्साइल में रहती है मैकलॉडगंज धर्मशाला में, उन्होंने भारत और हिमाचल का धन्यवाद करने के लिए एक पब्लिक इवेंट का आयोजन किया, जिसको थैंक यू हिमाचल के का नाम दिया गया था। और इन्होंने इसमें धन्यवाद कहा हिमाचल और भारत सरकार को, जिन्होंने की एक्साइल में इनको शरण दी थी। नेक्स्ट इज द US इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्प। यह एक न्यू फॉरेन एड एजेंसी है, जो कि US के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक बिल पर साइन करके इसकी शुरुआत की है। और इसका जो मेन मोटिव है, वह यह है कि जो भी कंपनीज डेवलपिंग नेशंस के साथ बिजनेस करने में इच्छुक होंगी, उनको $60 मिलियन तक का लोन लोन्स के रूप में, या लोन गारंटीज या इंश्योरेंस के रूप में इन कंपनीज को दिया जाएगा। नेक्स्ट इज जय सूर्य। ये एक फॉर्मर श्रीलंकर क्रिकेटर हैं, और ICC ने इनके ऊपर एंटी करप्शन कोड के तहत, जो उनका कोड्स हैं उनके तहत, नॉन कॉपरेशन एंड नॉन कंप्लाइंस टू द एजेंसी का आरोप लगाया है। नेक्स्ट इज पॉल एलन। देखिए, पॉल एलन ने माइक्रोसॉफ्ट के प्रेजेंट CEO बिल गेट्स के साथ मिलके, या सॉरी, बिल गेट्स के साथ मिलके, प्रेजेंट CEO तो नहीं है वो माइक्रोसॉफ्ट के, मगर वो पहले CEO रह चुके हैं काफ़ी टाइम तक, उनके साथ मिलके माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना की थी। और उनका 65 ईयर्स की उम्र में निधन हो गया कैंसर की वजह से। 1983 में इन्होंने बिल गेट्स के साथ एक डिस्प्यूट के चलते माइक्रोसॉफ्ट को छोड़ दिया था। नेक्स्ट इज ऑडी फाइन। देखिए, वॉक्स वैगन सेड दैट इट्स सब्सिडरी ऑडी इज एग्री टू पे द 800 मिलियन यूरो फाइन इशूड बाई जर्मन प्रोसिक्यूटर टू क्लोज अ डीजल चीटिंग इन्वेस्टिगेशन। नेक्स्ट इज ICICI चीफ RBI अप्रूवल द अपॉइंटमेंट ऑफ संदीप बख्शी एज MD एंड CE ऑफ ICICI बैंक फॉर 3 ईयर्स इंस्टेड ऑफ 5 ईयर्स विच वाज सॉट बाय द बैंक। देखिए, ICICI बैंक ने यह कहा था कि संदीप बख्शी जी को 5 साल के लिए MD और CEO बनाया जाए इस बैंक का, मगर RBI ने यह टर्म मात्र 3 साल के लिए इनकी टर्म्स को अप्रूवल दिया है। नेक्स्ट इज यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स। देखिए, हाल ही में जो यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग, भारत की यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग आई है, उसमें से पहली 10 में से 7 जो पोजीशंस है वो IITs को मिली है,
और जो टॉप पे रहने वाली आईआईटी है दैट वाज आईआईटी बॉम्बे विच वाज ऑन द टॉप फॉलोड बाय आईआईएससी बेंगलोर एंड आईआईटी मद्रास। नेक्स्ट इज इंडिया चाइना अमेरिका सॉरी आर्मी डील। इंडिया एंड चाइना विल रिज्यूम देयर मिलिट्री एक्सरसाइज हैंड इन हैंड इन December 1 आफ्टर 2017 डोकलाम स्टैंड ऑफ। दिस एक्सरसाइज इज लाइकली टू टेक प्लेस इन चाइनाज कमिंग चाइना। देखिए डोकलाम का जो विवाद हुआ था 2017 में, उसके बाद पहली आर्मी ड्रिल भारत और चाइना के बीच में जिसका नाम हैंड इन हैंड होगा, यह चाइना में आयोजित की जाएगी। नेक्स्ट इज मैन बुकर प्राइज। नॉर्दर्न आइलैंड की ऑथर अन्ना वरंस को 2018 का मैन बुकर प्राइज़ दिया गया उनकी नॉवल मिल्क मैन के लिए। और 49 ईयर्स हिस्ट्री ऑफ द अवार्ड 49 ईयर्स की हिस्ट्री में इस अवार्ड की वो 17वीं महिला हैं जिनको कि यह अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट इज टनल रेलवे स्टेशन। देखिए जो एक सपना है हमारे बॉर्डर को रेलवे लाइन से जोड़ने का, विच विल बी अ पार्ट ऑफ बिलासपुर मनाली लेह रेलवे लाइन, तो इसमें पहला जो टनल के अंदर जो सॉरी रेलवे स्टेशन होगा वो केलोंग होगा। एक सर्वे में जो कि बनाया गया है रेलवे मिनिस्ट्री द्वारा, उसमें यह बात कही गई है। नेक्स्ट इज मी टू मूवमेंट। एमजे अकबर जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर के मंत्री हैं या विभागाध्यक्ष हैं, उन्होंने अपनी पोस्ट से रिज़ाइन दे दिया है आफ्टर द एलिगेशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट बाई वुमेन ऑन हिम। नेक्स्ट इज डिमांड टू रिनेम फैजाबाद। देखिए इलाहाबाद का नाम जब प्रयागराज यूपी गवर्नमेंट द्वारा किया गया, तो इसके बाद विश्व हिंदू परिषद ने एक और डिमांड उठाई है कि जो फैजाबाद है उसका नाम बदलकर श्री अयोध्या किया जाए। नेक्स्ट इज लो कॉस्ट एयर ट्रेवल। देखिए यूनाइटेड स्टेट्स के बाद भारत का दूसरा नंबर आता है कंट्री वाइज जो कि अपने लो कॉस्ट एयर ट्रेवलर बनाने में सक्षम है और इनकी यह मार्केट काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रही है भारत की मार्केट। नेक्स्ट इज फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर नारायण दत्त तिवारी जो कि चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं उत्तर प्रदेश के, उनका उत्तराखंड में सॉरी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के उनका न्यू दिल्ली में देहांत हो गया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 21 अक्टूबर को लाल किले पर एक बार फिर से तिरंगा फहराएंगे और इसका जो उद्देश्य होगा दैट विल बी टू सेलिब्रेट द 75th एनिवर्सरी ऑफ ईस्ट भाईल गवर्नमेंट। जो आज़ाद हिंद गवर्नमेंट थी उसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1947 को हुई थी। नेक्स्ट इज मिनल पटेल दाविस। देखिए एन इंडियन अमेरिकन वूमेन जिन्हें की प्रेजिडेंशियल अवार्ड से US में नवाजा गया है और उनको यह अवार्ड मिला है टुवार्ड्स हर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंट्रीब्यूशन टुवार्ड्स कॉम्बैटिंग ह्यूमन ट्रैफिकिंग इन हाउस्टन विच इज़ इन अमेरिका। नेक्स्ट इज चाइना इज़ प्लानिंग टू लॉन्च इट्स ओन आर्टिफिशियल मून बाई 2020 टू रिप्लेस द स्ट्रीट लैम्प्स एंड लोअर द इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट इन अर्बन एरियाज़। देखिए बहुत बड़ी बात है किसी भी देश के लिए इस तरह का कोई भी कार्य करना जो कि अल्टीमेटली इन्वायरमेंट को बचाने में भी सक्षम होगा, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिसिटी की कंजप्शन है वो कम होगी तो इट विल बी मोर हेल्पफुल टू आर इन्वायरमेंट। नेक्स्ट इज मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी इन अमृतसर रेल एक्सीडेंट। देखिए अमृतसर में एक बहुत बड़ा हादसा दशहरे के दिन हुआ जिसमें कि जब रावण का दहन किया जा रहा था तो उस समय एक ट्रेन वहाँ से गुजरी और उसने काफ़ी लोगों को कुचलकर मौत के घाट उतार दिया। तो इस घटना के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री श्री अमरिंदर गिल जी ने मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी का आदेश वहाँ पे दिए हैं। नेक्स्ट इज आज़ाद हिंद गवर्नमेंट। देखिए पिछली स्लाइड में भी इसकी बात की मैंने कि जो प्रधानमंत्री है वो 75th एनिवर्सरी ऑफ
प्रोक्लेमेशन ऑफ द आज़ाद हिंद सरकार बाय सुभाष चंद्र बोस ऑन अक्टूबर 21, 1943, जिन्होंने की एक अलग ही सरकार की स्थापना कर दी थी। तो उस दिन को याद करने के लिए लाल किले पर आज़ाद हिंद गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट की स्थापना को याद करने के लिए लाल किले पर तिरंगा फहराया जाएगा। नेक्स्ट इज फ्लड अलर्ट्स। गवर्नमेंट ऑफ आसाम डायरेक्टेड द अथॉरिटीज ऑफ डिस्ट्रिक्ट बॉर्डरिंग अरुणाचल प्रदेश। देखिए जो बॉर्डर हैं आसाम के, जो कि अरुणाचल प्रदेश के साथ लगे हुए हैं, उनकी जो अथॉरिटीज़ हैं उनको यह आदेश दिया गया है कि किसी भी समय फ्लड आ सकते हैं इन डिस्ट्रिक्ट्स में, क्योंकि जो नदी है वहाँ पर ब्रह्मपुत्र, जिसे कि अरुणाचल प्रदेश में सियांग रिवर के नाम से भी जाना जाता है और यारलंग त्सांगपो रिवर के नाम से इसे तिब्बत में जाना जाता है, उस पर कोई स्लाइडिंग की वजह से एक आर्टिफिशियल लेक वहाँ पे बन गई है और ये चाइना ने हमें ये इन्फॉर्मेशन दी है। तो हो सकता है कि जैसे ही यह लेक टूटे तो इसकी वजह से फ्लड आ जाए, तो अथॉरिटीज़ को आसाम गवर्नमेंट ने पहले ही रेडी रहने को कहा है। तो दोस्तों इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, धन्यवाद।